एयरटेल पेमेंट बैंक में एक्स्ट्रा अकाउंट कैसे ऐड करना है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको एयरटेल थैंक्स का ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जो है टैब्स दिखेंगे। यहाँ पे मैनेज पे जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। हमें जो है वो पे वाले टैब पे जाना है, तो उस पर क्लिक कर लीजिए। पे पे क्लिक करने के बाद आपको वापस काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे पेमेंट रिलेटेड, स्कैन क्यूआर कोड, पे फोन नंबर वगैरह वगैरह। पर हमें जो है जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है, तो सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हो लिंक्ड अकाउंट्स के अंडर कि आपके कौन से बैंक अकाउंट्स लिंक्ड है। अगर आपको एक और बैंक अकाउंट ऐड करना है तो नीचे जो है ऐड अनदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। अगर आपकी बैंक इस पॉपुलर ऑप्शन में से एक है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉपुलर ऑप्शन में से नहीं है तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, तो सर्च में आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बैंक जो है वो आ चुकी है, उस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट एडेड, यानी मेरे नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड था इस बैंक से वो अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। पहले जो थे वो दो ही अकाउंट थे, अभी जो है वो एक और अकाउंट ऐड हो चुका है। तो एयरटेल पेमेंट्स में ये बैंक अकाउंट ऐड करना बहुत ईजी है।